उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीषण गर्मी व उमस से एक ही गांव के मासूम बच्चों व महिलाओं सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग उल्टी दस्त होने से हुए बीमार। गांव में मचा हड़कंप मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत निहाल खेड़ा मजरे सूरजपुर गांव का है, जहां उल्टी दस्त से गांव के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। इसकी सूचना CHC अधीक्षक शिवगढ़ को मिली। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की टीम गठित कर गांव में भेजकर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका इलाज किया। ग्रामीणों ने बताया कि एक के बाद एक अचानक उल्टी दस्त शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद मोहल्ले के अन्य लोगों को भी उल्टी दस्त शुरू हो गए। देखते ही देखते गांव के अधिकतर लोग उल्टी और दस्त की चपेट में आने लगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, CHC शिवगढ़ का अधीक्षक हूँ। सर, कल एक निहाल खेड़ा गांव का मामला आया था, जहां पर बताया जा रहा था कि 30 लोग इकट्ठे बीमार हो गए। क्या है पूरा मामला सर? दिन में कुछ लोग आए, वहाँ के प्रधान जी भी आए और जनप्रतिनिधि जी थे कई उनके साथ। उन्होंने बताया कि कुछ लोग वहाँ पे बीमार हैं। उन्होंने बताया कि उल्टी दस्त की उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं तुरंत ही एक टीम बनाई, निहाल खेड़ा को भेजी। वहाँ से 30 ऐसे मरीज थे जिनको दिक्कतें थी, जिनको IV इंजेक्शन लग गए, ORS मिल गया, कुएं में हमने क्लोरीन टैबलेट डलवा दी और नालियों में ब्लीचिंग करवा दी जहाँ जहाँ गंदगी थी। अब वहाँ पर स्थिति सामान्य है। अभी तक वहाँ से कोई, कल से हमने उनको बताया भी था कि अगर कोई दिक्कत आती है, उनको नंबर दे के आए थे और कहा था 108 से अगर ज़्यादा समस्या आती तो यहाँ CHC आ जाए, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। उम्मीद है कि सब ठीक हो गए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।